आईपीओ के इस मौसम में बहुत सारे आईपीओ जो हैं आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। आने वाले में आईपीओ की एक हम बात करेंगे कार ट्रेड टेक की। आज हम इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालेंगे, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आईपीओ की डेट्स क्या हैं, और एंड में देखेंगे मेरा पर्सनल व्यू। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ रमन कुमार वर्मा, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर की जाती हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कार ट्रेड टेक की आईपीओ के बारे में। कार ट्रेड टेक का जो इनकॉर्पोरेटी 2000 में, ये मल्टी ब्रांड में काम करती है, यानी कि जो इसके ब्रांड्स के नाम है कार वाले, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, कार ट्रेड श्रीराम, ऑटोवाल आदि आदि इसके ब्रांड्स हैं। ये जो बाइक्स और कार दोनों में डील करती है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर यूज्ड और न्यू ऑटोमोबाइल के कस्टमर का ह्यूज बेस है, यानी कि इसने थोड़े से ही समय में अपना जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बढ़ा लिया है। अब बात कर रहे हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। जो कंपनी है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करती है, यानी कि ये जो कार और बाइक में ये फाइनेंस भी करती है, नई कारें और बाइक बेचती है, पुरानी भी कर बेचती है, तो ये डाइवर्सिफाइड। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो पहले प्रॉफिट था उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट इसको हो रहा है, यानी कि इसे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और कंपनी की फाइनेंशियल अगर बात करें, तो अगर टोटल असेट की बात करें, इसमें मार्च 2019 में कंपनी का जो टोटल असेट था 14,270 मिलियन रुपीस था, 2020 में बढ़कर 14,704 हो गया, और 21 आते आते ये 19,301 के करीब पहुंच गया। और टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो ये 2668 मिलियन रुपीस इसका रेवेन्यू था जो 19 में, और 20 आते आते 3,184 हो गया, और 21 में ये थोड़ा सा कम होकर 2,815 रह गया। और सबसे ज़रूरी बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है इस कंपनी के, जिसकी हमने इतनी बात करी। मार्च 2019 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 259 मिलियन रुपीस था, जो 2020 में बढ़कर 312 हो गया, और 21 के आते आते ये 1000 के ऊपर पहुंच गया। यानी कि अगर हम बात करें कि 2020 से 21 आते आते इस कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी उछाल आया। और हम कार ट्रेड टेक की आईपीओ की बात करें तो ये 9 अगस्त को ओपन होगा और 11 अगस्त को क्लोज होगा, और जो शेयर्स का अलॉटमेंट होगा वो 17 अगस्त को होगा, और जो रिफंड होगा वो 18 अगस्त को होगा, और कंपनी के जो शेयर्स हैं जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो 20 अगस्त को होंगे, और फाइनली जो लिस्टिंग है 23 अगस्त 2021 को होगी। अब इश्यू साइज़ की बात कर लें, इसका 2999 करोड़ रुपये का इसका इश्यू साइज़ है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 1585 से 1618 पर इक्विटी शेयर्स है। और लोट साइज़ की बात करें तो 9 शेयर का लोट साइज़ है, और लिस्टिंग इसकी NSE BSE दोनों में होगी। अब जो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो लिस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो गेन करना, और एंड में हम बात कर रहे हैं मेरा पर्सनल व्यू। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, आपने जब बिड लगानी है तो कट ऑफ प्राइस पे लगानी है, जिससे कि आपके मिलने की श्योरिटी बढ़ जाए। अब ये आईपीओ पहले के जो आए हैं आईपीओ उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें लॉस की संभावना बहुत कम लग रही है। ग्रे मार्केट में जो इसकी लिस्टिंग है वो 30 से 35% के रेट चल रहा है, लेकिन मेरी अगर पर्सनल व्यू माने तो ये 30 के आसपास लिस्ट होने की उम्मीद रखता है। और क्या कहते हैं, इस कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म भी काफ़ी अच्छा है, आप इसमें बिड लगा सकते हैं और इसके शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हैं, और जब ये लिस्ट हो तो उसको उस लिस्टिंग पे सेल कर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।